मदारी। आप सबने सुने गाने? मदारी 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 सबसे अच्छा लगा। अभिषेक को मालूम है? अभिषेक को पीटाउन। थैंक यू। वेट ये पीटाउन है, डोंगरी है। लुक एट दिस साइड। या इधर देख लो। या लुक हियर, थोड़ा उसके बाजू में। थैंक यू। मत बोलो रे। गाना तोड़े, गाना तोड़े। मदारी 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 मदारी। एक लाइन देखो आए भाभी के साथ। इंडिया बोल ला लो भाई, बुला लो। अरे बहुत दिन हो गया भाई। तो गाना बनती है। बोलना सड़कों में मेला लगे जब भी निकले सवारी। ये क्या बात है, पहनो पटांग आगे। कहाँ से स्टार्ट? बोतल पे से किंग 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 उसकी रात है मेरी नहीं है। किंग 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 भाई यहाँ पर, किंग सामने यहाँ पे, किंग यहाँ पे, किंग 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 सामने, किंग 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 यहाँ पर, किंग। थैंक यू। यार फ्रैंकली मैंने जितने भी जैसे आप लोग से सुना है और मैं इंस्टाग्राम पे और जहाँ भी मैं पढ़ रहा हूँ वहाँ पे यही पढ़ रहा हूँ कि बहुत लोग ट्रिप कर रहे हैं उस गाने पे। बहुत ही फन लविंग और वाइबी यू नो गाना है। एंड मैं फ्लाइट में था, मैं जस्ट लैंड होके अभी यहाँ पहुँचा ही हूँ। सो मैं पर्सनली अंदर जाके अभी वो गाना सुनना चाहूँगा। मैंने 30 सेकंड की सिर्फ क्लिप देखी है इंस्टाग्राम पे वेयर मुनव्वर वाज डांसिंग एंड वाइबिंग ऑन इट, एंड आई थिंक इट्स अ रियली रियली कूल सॉन्ग। इट लुक्ड वेरी कूल, बट द रीज़न आई एम हियर इज यू नो मुनव्वर। ऑफ कोर्स आई लव दैट बॉय, आई लव व्हाट ही इज़ ऑल अबाउट। देसी है, दिल का साफ है, एंड आई थिंक दैट्स व्हाट आई लव द मोस्ट अबाउट हिम। एंड आई एम हियर टू विश हिम एंड यू नो सपोर्ट हिम एंड गिव ऑल माय लव टू हिम। सॉरी अनदर आई थिंक 2 महीना मैक्सिमम मेरी भी एक एल्बम पेंडिंग है, बहुत जल्दी अनाउंस करूँगा उसको। इनफैक्ट उसमें से शायद एक गाना मुनव्वर के साथ भी होगा, बट कांट से एनीथिंग ऑफिशियल राइट नाउ, बट वी आर ट्राइंग टू क्रैक अ सॉन्ग। हम लोग बहुत टाइम से प्लान कर रहे हैं साथ में गाना करने का। ओ हो मुनव्वर के साथ मुनव्वर बिकॉज ही रैप्स, उसको मेरे कुछ 3-4 गाने बहुत पसंद हैं। वो मेरे सैड सॉन्ग्स हैं बट उसके बीच में वो रैप करना चाहता है, उसने बहुत बार मुझे बोला है। सो होपफुली वी विल सिट एंड क्रैक समथिंग वेरी वेरी नाइस यार, व्हिच एवरीवन विल लाइक। थैंक यू। डन पे आप थोड़ा आगे। सबसे पहले मदारी गाना। हाँ जी, जब तक बहुत कमाल गाना है। कुछ बताना चाहोगे किस तरह से लगा मुनव्वर गाना? बहुत ही एक्चुअली धमाकेदार मुझे वो गाना लगा, एंड मैंने जैसे सुना बोली ओह माय गॉड, क्योंकि मैंने जेन्युइनली आज ही रिलीज हुआ है ना वो, मैंने नहीं सुना था, मैंने अभी डायरेक्टली सुना, तो बहुत प्यारा गाना लगा। एंड इट्स लाइक कि हर एक इंसान ने जितनी मेहनत की है ना वो उस गाने में समझ में आ रहा है कि सबने एकदम पूरी जान लगा दी, पूरी दिल लगा दी उस गाने पे। मुनव्वर के बारे में क्या कहते हैं? मुनव्वर बहुत अच्छा इंसान है, मैं मतलब पहले भी मिली हूँ उनसे, एंड इज अ वेरी स्वीट गाय। मैं काफी लाइक आई वाज सरप्राइज्ड टू सी यू बिकॉज़ मुनव्वर और आप भी, अगर कुछ अगर आप आज फैंस रिप्लाई करेगी कि आपका कुछ प्रोजेक्ट आना चाहिए साथ में, अगर कुछ बताना चाहो मुनव्वर के साथ? अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं है, पर मैं ऑफ कोर्स जरूर काम करना चाहूंगी उसके साथ। सुमुल अभी बात करें, अब बहुत सारे ओटीटी आने वाले, खतरों के खिलाड़ी आने वाले, किसके लिए ज्यादा एक्साइटेड हो आप? मैं खतरों के खिलाड़ी में शिव के लिए ज्यादा एक्साइटेड हूँ, और कुछ नहीं। मैं अपने हंगामा कर रहे, हमने सुना है शिव और अर्चना, क्या कहना चाहोगे? देखो अभी हमें बात ये कि हमें हर एक चीज़ मालूम नहीं है ना कि वहाँ पे एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो हम लोग कुछ भी अज्यूम नहीं कर सकते हैं कि ये बात हुई होगी, ये गलत है, ये सही है।
तो वो जो भी हुआ है वहाँ पे हुआ है, आई हैव नो आइडिया अबाउट इट एंड आई एम स्टिल रूटिंग फॉर शिव एंड आई वांट हिम टू विन. आप दोनों बहनें हमेशा हंगामा करती रहती हैं, मतलब दोनों आ जाते तो हंगामा हो जाता है, तो आप दोनों एक साथ कभी हम आपको कोई सॉन्ग में? जरूर 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 जरूर. एक्चुअली जो मेरा अभी गाना आने वाला है वो मैंने पहले भी बोला, जैसा मेरे लिए, मेरे पापा के लिए एंड मेरी बहन के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, क्योंकि वो गाना मेरा और सानिया का गाना है जिसमें हम दोनों ने गाया है, तो वो बहुत जल्दी आने वाला है. बस वही है कि हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बेस्ट एकदम गाना निकले, सो उसमें ही थोड़ा वक्त लग रहा है एंड अभी इट्स लाइक कि गाना एकदम रेडी है, वी आर जस्ट वेटिंग टू शूट. डेट अभी फाइनल नहीं है. जो हाल ही में हुआ है, फैन बेस काफी एक दूसरे में लड़ रहे हैं, कौन आगे रहेगा इस पे, आप अगर अपने फैंस को अगर कुछ मैसेज देना चाहोगे तो क्या होगा पॉजिटिव? कौन से फैन बेसेस लड़ रहे हैं? अरे मैं यही, जितने भी लोग मुझे चाहते हैं वो मुझे जेन्युइनली चाहते हैं, जो नज़र में आता है कि वो मेरी तकलीफों को अपनी तकलीफें समझते हैं एंड इट्स जस्ट दैट कि आई जस्ट वॉन्ट देम टू नो दैट आई एम वेरी ग्रेटफुल टू ईच एंड एवरी वन एंड आई फील ब्लेस्ड कि हर एक इंसान, ये जितने लोग हैं सब मेरे साथ खड़े रहते हैं हर जगह, तो मुझे बहुत खुशी होती है एंड आई थिंक कि इतना प्यार लाते कहाँ से हो सब लोग. मतलब क्या रिएक्ट कर रहे हैं? उन्हें आईडिया अबाउट द फाइट अबाउट यू एंड फमान, जो उन्होंने इंटरव्यू लास्ट नहीं नो हम बढ़िया हैं, हमारा बढ़िया चल रहा है. भाई लोग एल्बम चालू है और हमारे दूसरे आर्टिस्ट जिनको अंडर देखते हैं ब्रो, तो कुंजम काफी अच्छी शुरुआत मिली गाने को, अगर कुछ बताना चाहो किस तरह से मदारी, एक अलग ही वर्ड है मदारी. मदारी अलग बचपन से सुना है यार मदारी वर्ड, तो बट मदारी वही एक कर्तव्य दिखाता है, पता नहीं है उसको मोहल्ले में कौन देख रहा, सभी देख रहे, बच्चा हो बूढ़ा हो, तो ये एल्बम भी वैसी है, हर तरह का गाना है इस एल्बम में और पिछले 6 महीने से इस पे ही ग्राइंड चालू था और अभी वो आज फाइनली रिलीज़ हुआ है और मैं थोड़ा ऑनलाइन ऑडियंस का रिस्पांस जो देख रहा था, मैं थोड़ा रो दिया, थोड़ा हंस दिया, तो मुझे बहुत खुशी हो रही थी और फिर मैंने देखना बंद कर दिया कि नहीं आज पार्टी में ध्यान देता हूँ, लॉन्च पर ध्यान देता हूँ. आज जो यहाँ पर आए हुए जितने भी लोग आए हुए, तो आई एम वेरी हैप्पी कि वो लोग आए हैं, उन्होंने इस काबिल समझा, तो आई एम वेरी हैप्पी. तो आज इनसे मिलूंगा और उसके बाद मैं डेफिनेटली देखूंगा क्या चल रहा है रिएक्शन, बट अभी तक जो मैंने देखा वो बहुत ही ओवरवेलमिंग है. पहले कॉमेडियन और अब सब की मैं बात करूं, काफी समय से आप वेट कर रहे थे ये एल्बम के बारे में. यस यस, आज वो दिन आया है, कितनी अच्छी फीलिंग आती है भाई? वो बहुत बुरी फीलिंग है भाई, वो विदाई बच्ची की विदाई होती है वैसी फीलिंग है. मेरी बच्ची तो नहीं है बट बहनों की विदाई देखी है मैंने, तो आई कैन फील के वो हो रहा है कि कुछ चीज़ को आपने बहुत ख्याल रखा है और वो चीज़ जब आपके आपसे दूर जाती है तो वो फीलिंग है, बट साथ साथ में एक्साइटमेंट भी है कि लोगों तक मैं फाइनली 6 महीने तक जिस पे हम मेहनत कर रहे थे वो मैं लोगों तक प्रेजेंट कर पा रहा हूँ और लोगों को पसंद आ रहा है, सो आई एम वेरी हैप्पी. काफ़ी सारे बड़े स्टार्स के नाम आपने इस गाने में लिए, हाँ, काफ़ी अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी मुझे जिस तरह लगे गाने में, क्या कुछ प्लान था इतने बड़े स्टार्स के नाम ले रहे हैं एंड 2-3 अलग अलग ट्विस्ट एंड टर्न्स भी लग रहे थे गाने में, अगर कुछ बताना चाहोगे किस तरह? गाना एक हिप हॉप रेफरेंस ट्रैक है, मतलब लाइक इट्स लाइक अ प्रॉपर हिप हॉप ट्रैक, इसमें आप हर तरह के रेफरेंस है और हमने बॉलीवुड रेफरेंस हो, मीम रेफरेंस हो, इंटरनेट पे जो चलता है उसका रेफरेंस हो, कुछ बाकी नहीं रखा, एक लाइन में 2-2 मीनिंग्स है उसमें, तो आई थिंक वो गाना लिखने में भी बहुत मज़ा आया हमको, मैं और फरहान जब हम लिखने बैठे थे तो इट वाज फन और हाँ उसमें कुछ बाकी नहीं छोड़ा. एज अ ओटीटी किंग, एज अ ओटीटी विनर, बिग बॉस ओटीटी भी बहुत जल्द आने वाला है, अगर आप जाने वाले? नहीं भाई, मैं एक बार वो कर लिया रियलिटी शो, तो अभी मैं शायद रियलिटी शो के मूड में नहीं हूँ, बट अभी जैसे ये प्रोजेक्ट रिलीज हो गया है अभी और जैसे एल्बम में किस तरह है? यस, KOD में बोला है कि
इस साल सबसे बड़ा वाला स्टैंड अप वीडियो लाऊंगा, तो यस एक सरप्राइज है स्टैंड अप के फैंस के लिए भी, तो आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दैट। सुयश ने भी कहा है कि आपके साथ कोई गाना आने वाला है। यस सुयश और हमने कुछ तो बनाया बहुत खूबसूरत है, अब देखते हैं हम लोग थोड़ा डेट्स को लेके थोड़े इधर उधर हो रहे, जैसे ही डेट फाइनल होगी मजा आएगा। भाई पहले कॉमेडियन और अभी एज ए सिंगर आप डेब्यू कर रहे हैं, तो अभी और किन किन नए रूपों में आपको देखने को मिलेगा दर्शकों से? वापस बोलूंगा फैन शॉक भी नहीं होंगे, कल को बन गया मैं साइंटिस्ट, तो बस मेहनत करते रहता हूँ, मुझे करना पसंद है एंटरटेन, तो वो कोई भी फॉर्म में हो, मुझे कभी शायरी भी करता हूँ, स्टैंड अप भी करता हूँ और म्यूज़िक भी कर रहा हूँ, मेहनत कर रहा हूँ और हर चीज़ को 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ, बस यही समझो कि मेरे पास टाइम बहुत है। किसको एंजॉय कर रहे हैं सबसे ज़्यादा, शायरी या कॉमेडी या? फिलहाल मदारी को एंजॉय कर रहा हूँ भाई। कोई दो लाइंस सलमान और शाहरुख को भी ऐड किए तो वो अगर लाइन सुनाओ। आई फील लाइक शाहरुख पर देवदास नहीं, मैं खुद का बादशाह खेलूँ, ताशवाश नहीं, तेरे जैसे का देगा मैं 150 रुपया हूँ, मैं कचरा सेठ करूँ भेदभाव नहीं, मेरे दिल में दया पर मैं जेठा नहीं, लूटू सबको पर मैं नेता नहीं। क्या बात है, थैंक यू सो मच।